हेलो, कैसे हो? अच्छा हूँ, पर तुमसे अच्छा नहीं। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, सोच रही थी। उसी सवाल का जवाब जो मैंने किया था। हाँ, लेकिन ना अब तक जवाब मिला ना कुछ समझ में आया। ये समझ में नहीं आता, इसे महसूस करना पड़ता है। ये तो एक एहसास है, इसे अपनी आत्मा की गहराई से महसूस करो। कैसे महसूस करूं? तुम्हारा दिल धड़क रहा है? हाँ, हल्का हल्का सा। सोचते वक्त कुछ अच्छा लग रहा था? हाँ, लग तो रहा था। उस वक्त कोई आहट हुई थी? हाँ, हुई तो थी। उसे सुनकर तुम्हें कैसा लगा? डर गई थी। चोरी पकड़ी गई ना? अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे रश्मि, यही तो प्यार है। तुम्हें पता है, मन में जब प्यार पनपता है ना, तो यही दशा होती है। दिल घबराता है, एक डर सा लगने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। इसे ही तो प्यार कहते हैं। लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फैसला नहीं ले पा रही हूँ मैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब कुछ समझ में ना आए ना, तो अपने दिल को दूसरे के हवाले कर देना चाहिए। एक काम करो रश्मि, तुम भी यही करो, अपना दिल मेरे हवाले कर ही दो। सोचूंगी, समझूंगी और बाद में ही दिल दूंगी। ओके? साहिल नजर आ गया है, बस उतरने की देर है। रश्मि, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि बहुत दिन हो गए रश्मि से मिली नहीं, उसे देखा नहीं है, उसकी बहुत याद आ रही है, तो उसे भेज दे। तो आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि रश्मि बाहर गई है, आती उसे बता दो। सब नाटक है मामी जी, दुनिया की माए अपनी औलाद को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देती। अगर मेरी माँ को मुझसे मोहब्बत होती तो इतने दिनों से मेरी याद नहीं आती। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। अरे पगली, याद तो आती होगी ना उन्हें, पर तुम उनसे ठीक से बात नहीं करती, इसलिए शायद बेचारी फोन करने से डरती हो। मैं अपनी माँ को पहचानती हूँ, उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, सिर्फ पैसों से। उसे पैसा ही चाहिए और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। भूल गई क्या, यहाँ तक क्या भूल खिला कर गई थी वो? मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी सब कुछ भूल जाओ। तो आप भी भूल जाइए मामी जी कि कभी मैं वहां पे थी, क्योंकि अब मेरा घर यही है। सुषमा का फोन आया था, वो रश्मि को बुला रही थी। तो रश्मि ने क्या कहा? क्या कहेगी, उसे तो ना कह दिया। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं दोबारा कहूंगी तो मुझसे रूठ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप उसे एक बार समझाएं। मैडम जी, जब वो जाना ही नहीं चाहती है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? अब हम उसे अगर जो बार बार कहेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि उसका यहाँ रहना हमें खल रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, वो तो बच्ची है, वो नहीं समझती। पर जरा सोचिए लोग क्या कहेंगे। वो तो ये कहेंगे ना कि हमने उसे रोका, हम चाहते तो उसे जाने दे सकते थे। आप उसे समझाइए कि वो एक बार होकर आए। मैं तुम्हें कुछ समझाऊं? आशियाना के प्रायोजक ब्रुक बॉन्ड A1, इसका जबरदस्त कड़क स्वाद, और वाटिका शैम्पू, चमकते खूबसूरत बाल हिना कंडीशनर के साथ।